आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रुखसाना है। आज मैं छठवीं कक्षा के असाइनमेंट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है व्याकरण सर्वनाम और उसके भेद। सो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा अगर बोले, जो संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है वो है सर्वनाम। जैसे अगर हम हर बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसकी जगह पर जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम को अच्छी तरह समझने के लिए उनके भेदों के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उनका पहला जो प्रकार है, पहला भेद है, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा संबंध, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, ये छह उसके भेद हैं। तो अगर आप उसमें इतना भेद से हम गहराई से हम नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे आपको इतना समझने के लिए इतना काफ़ी है कि इसके छह भेद होते हैं। सो यहाँ पर अगले प्रश्न में क्या दिया है, आपको एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण से, उदाहरण पढ़कर आपको बताना है कि उसके वो कौन सा भेद है। जैसे मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। रेखांकित शब्दों का सर्वनाम भेद पहचान कर लिखिए। यानी लेखांकित कौन सा है, जिसकी और उसकी। सो ये संबंध है, क्योंकि जिसकी अगर हम जिसकी सिर्फ कहते हैं तो वो अभी पूरा नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। तो उसके साथ अभी और भी शब्द आएगा तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जिसकी के साथ उसकी है, तो दोनों के बीच में एक संबंध बताया जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा गया है। अगला प्रश्न हम जा रहे हैं, चौथे प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। गाना कौन गा रहा था? सो यहां पर रेखांकित शब्द क्या है, कौन। सो कौन यहां, कौन, क्या, कैसे, ऐसे जितने भी शब्द होते हैं वो सभी प्रश्नवाचक होते हैं, ठीक है। तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पुरुष वाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जैसा कि मैंने सर्वनाम के भेद में आपको बताया था कि सर्वनाम में पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके तीन भेद होते हैं, ठीक है। तो पहला भेद है उसके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मैं। मध्यम पुरुष तुम, और अन्य पुरुष वह, तीसरे के लिए हम बोल रहे हैं, तो वो है अन्य पुरुष। तो ये यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं यानी तीन जो सर्वनाम आपको बताया था, तीन प्रकार बताया था पुरुषवाचक के, सो मैं, सो ये आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? कोई यानी आपको नहीं पता कोई, ठीक है, तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? तुम पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? यानी मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन कराया, मैं ये हो गया प्रथम, तुम मध्यम, सो ये तुम यानी दूसरे के लिए हम बोल रहे हैं, आगे वाले के लिए, तो वो है मध्यम पुरुष। तो आज का हमारा था टॉपिक सर्वनाम। बहुत बहुत धन्यवाद।